हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूं नेमत और आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी धनिया की पत्ती की चटनी। आप पूछेंगे ये कैसी चटनी है जिसमें मैंने इतने सारे नट्स वगैरह रखा हुआ है। तो ये चटनी ऐसी बनकर तैयार होगी जो थोड़ा थीक होगी और ब्रेड के सैंडविच के लिए जब हमें ज़रूरत होती है ब्रेड पर चटनी स्प्रेड करने का तो वो उसके काम भी आएगा और आप इसे खिचड़ी और रोटी के साथ भी खा सकेंगे, डोसा के साथ भी खा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चीज़ों को लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, यहाँ अदरक के टुकड़े हैं, पतले पतले स्लाइसेस हैं, 4 स्लाइस हमने क्वाइन साइज का लिया हुआ है, 6 हरी मिर्च है। कुछ ज़्यादा लग रही है लेकिन ये बिल्कुल तीखी नहीं है। इससे धनिया के पत्ती के चटनी को कलर मिलेगा। यहाँ पर मैंने ढेर सारा लगभग एक कटोरी भरकर धनिया की आगे की पत्तियाँ ली हैं और इस स्टेम को मैंने अलग कर दिया है। चटनी तो इसकी भी तैयार हो जाएगी लेकिन इसकी वजह से धनिया की पत्ती के चटनी का रंग थोड़ा फीका आएगा, इसलिए मैं इसे दाल में डालकर और सूप में डालकर इस्तेमाल कर लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर टोस्टेड तिल लिया है, 1 टेबलस्पून से कुछ ज़्यादा टोस्टेड मूंगफली लिया है और 1 टेबलस्पून हमने हल्दीराम की भुजिया ली है। ये तीनों चीज़ चटनी में टेस्ट भी बनाएगा और उसकी थिकनेस और क्रीमीनेस को भी बनाए रखेगा, साथ ही उसमें एक नटी सा टेस्ट आएगा और थोड़ा ये चटनी ऑयली होगी जिसकी वजह से आप ब्रेड के पीसेस पर अगर इसे स्प्रेड करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर स्प्रेड होगा और आपके ब्रेड को सॉगी नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने टार्टरिक एसिड लिया है, टार्टरी जिसे कहते हैं, साइट्रिक एसिड जिसे टार्टरी कहते हैं, 1/4 टीस्पून मैं खटास के लिए इसे यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, आप चाहें तो इसे साधारण नमक से भी तैयार कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने ली हैं, अब इसे एक मिक्सी जार में डालकर हमें पीसना है। पीसने में ये सावधानी रखनी है कि इसमें 2 या 3 टेबलस्पून ठंडा पानी डालना है, फ्रिज का पानी, और अगर आपके पास आइस क्यूब हो तो ठंडे पानी की जगह आप आइस क्यूब इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। चटनी पीसते समय इसे एक ही बार बिल्कुल बारीक करने की ना सोचें, वरना मिक्सी का पॉट गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से हरी पत्तियों का रंग काला हो सकता है। तो रुक रुक कर चलाएं और ज़रूरत हो तो ठंडा पानी डालें। ये 2 टिप्स धनिया के पत्ती के चटनी का रंग बनाए रखने के लिए। तो चलिए हम अब इसे पीसते हैं। तो एक एक कर अब सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, साधारण नमक जो रोज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारी टाटरी है जो खटास देगी। ये प्रोफेशनल तरीके से जो चटनियाँ बनती हैं उसमें टाटरी ही डालते हैं क्योंकि ये चीज़ों की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है और इससे कलर भी बढ़िया रहता है। 1 टेबलस्पून सिरका, ये भी प्रिजर्वेटिव होता है। अब यहाँ पर मैं 3-4 आइस क्यूब डाल रही हूँ और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि इस चटनी को थोड़ा और पतला करना है तो आइस क्यूब ही डालूंगी ताकि मिक्सी का पॉट ठंडा रहे। अब आप इस चटनी का कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए, देखने से ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, कितना क्रीमी, और मैं इसे आपको निकाल कर अब दिखा देती हूँ। तो देखिए ये इसका टेक्सचर है,
तो व्यूअर्स आप इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें और इसे बनाकर खुद चखें। आज मैंने इसे चक्कर देखा है, इतनी लाजवाब चटनी हुई है कि मैंने इससे पहले खुद अपने हाथों की इतनी ज़बरदस्त चटनी नहीं देखी थी। इसे ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें और मैं इसे एक ब्रेड पर भी आपको स्प्रेड करके दिखला देती हूँ। और साथ ही अगर आपको इससे पतली चटनी चाहिए तो आप कुछ आइस क्यूब या आइस वाटर इसमें मिलाकर थोड़ा पतला कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त चटनी है और ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। व्यूअर्स आप इसे बनाएं, मुझे उम्मीद है ये चटनी आपको मायूस नहीं करेगी। बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, बिना किसी और किसी प्रिजर्वेटिव के ये चटनी आपके शेल्फ पर कम से कम 10 दिन तो रह ही जाएगी। अभी जाड़े का दिन है तो ये उससे भी ज़्यादा रह सकता है और ख़राब नहीं होगा। तो बनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार से चटखारेदार से रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।